और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को धमकी दी गई है। गिरिराज सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से धमकी भरा एक फोन आया। सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर को भी यह धमकी दी गई है। मामले की तहकीकात में पुलिस जुट गई है। पुलिस से जांच की मांग की है मंत्री ने और कहा है कि इसका पता लगना चाहिए कि धमकी देने वाले कौन है। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जो बेगूसराय के सांसद भी हैं, उनके सांसद प्रतिनिधि हैं अमरेंद्र कुमार अमर। उन्होंने सूचना दी है, अभी लिखित सूचना वो थाने पर लेके जा रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने सूचना दी है कि उनके व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कॉल आया था। वो +92 के नंबर से था। अब वो पाकिस्तान से था, कहाँ से था, ये जाँच का विषय है। उस पर उनको और केंद्रीय मंत्री महोदय को जान से मारने की धमकी दी गई, जैसा उन्होंने लिखित व्हाट्सएप किया है। तो उस +92 नंबर के आधार पर हम लोग सदर जांच नगर थाना के स्तर से इसमें कार्रवाई की जाएगी और फिर उस पर जांच की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। आज 11:28 पर जब मैं कचहरी जाने के लिए तैयार हो रहा था तो हमें एक व्हाट्सएप कॉल आया। मैं व्हाट्सएप कॉल को नहीं ट्रेस कर सका कि ये पाकिस्तान का नंबर है। हमने जल्दीबाजी में उसे उठा लिया। उसने उठाते ही किसी की गिरफ्तारी की बात कहने लगा और उसके बाद हमने कहा कि हम कौन है सो पता है आपको? उन्होंने कहा कि हमें पता है कि तुम कौन है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, और तुमको दोनों को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो।